सिवान में लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और अब सभी की निगाहें 4 जून पर टिकी है कि 4 जून को जब ईवीएम का बक्सा खुलेगा तो किसका किस्मत। गोपालगंज में भी नेक टू नेक फाइट है। सिवान क्यों पिछड़ गया? सिवान इसलिए पिछड़ गया कि इन्होंने खुद ही छाटना शुरू कर दिया अपने तरफ से। ये पहले ही जान गए ये लोग हमको वोट। हाँ, ये इतने बड़े नजूमी निकले कि ये खुद ही छाटना इन्होंने शुरू कर दिया और हेना साहब ने सबको जोड़ा। और मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक हेना साहब को नियर अबाउट 4 लाख 4 लाख के करीब, चाहे ऊपर या नीचे थोड़ा बहुत ठीक। और रमेश सिंह कुशवाहा 3 लाख से ऊपर या नीचे, और बिहारी चौधरी जी के साथ अगर इंटायर उनकी कम्युनिटी गई होगी तो वो भी 2 लाख। तो यहाँ सारे रंग जो उन्होंने कहा, जो उनका ये स्लोगन था, वो कहीं ना कहीं आम जनता के दिमाग में। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर्स रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सिवान। संपर्क नंबर 8399 43 151। सिवान में लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और अब सभी की निगाहें 4 जून पर टिकी है कि 4 जून को जब ईवीएम का बक्सा खुलेगा तो किसका किस्मत उस बक्से में खुलेगा, यानी कौन सिवान से किस पे भारी पड़ेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। कल जब चुनाव हो रहे थे तो आपको बता दें उससे पहले तमाम दल के जो नेता हैं या जो निर्दल नेता हैं ये दावे कर रहे हैं कि मेरी जीत हो रही है, लेकिन कल जब चुनाव हो गया तो कहीं ना कहीं कुछ तस्वीरें हैं जो साफ हो चुकी हैं, यानी सिवान में अब जो लड़ाई है वे साफ तौर पर NDA बनाम हेना साहब की लड़ाई। इंडिया गठबंधन का दूर दूर तक कहीं नाम लड़ाई में नहीं दिखा। कल जब वोट डाले जा रहे थे तब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे निर्दलीय बनाम NDA चल रहा था और उसी की वानगी कहीं ना कहीं 4 तारीख को चुनावी नतीजों में भी देखने को मिलेगी। हमारे साथ जावेद अली जी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन आज हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कल जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव को ये कैसे देखते हैं, क्योंकि जब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हेना साहब चुनावी मैदान में थी और इंडिया गठबंधन के लिए तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे थे तो तेजस्वी यादव को बहुत उम्मीद थी कि इंडिया के जो गठबंधन के नेता हैं वो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता, यूँ कहा जाता है कि काफ़ी अनुभवी नेता हैं उदय चौधरी, कुछ खास नहीं कर पाए, जैसा ग्राउंड पर रिपोर्ट है। जावेद अली जी से बात करेंगे। क्या जावेद जी, क्या लग रहा है आपको कल के चुनाव के बाद? कल के चुनाव के बाद आप जो कह रहे हैं जी, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है जी, खाक छाना है आपने सिवान लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने का, तो ऐसे में आप जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट पिछड़ गए, आपके कैंडिडेट क्यों पिछड़ गए? इसलिए पिछड़ गए कि जो सामंजस्य घटक दलों के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो सामंजस्य बिठाने में और बिहारी चौधरी जी नाकामयाब हुए। वो इलेक्शन एज ए विधानसभा के अध्यक्ष के मानिंद उन्होंने चुनाव लड़ा, वो चुनाव के प्रोटोकॉल में वो चुनाव के दौरान भी आसन पे ही बैठे रहे, वही अहंकार जी, वही सिंहासन। और तो आम जनता के बीच जब आप जाते हैं इलेक्शन जी, तो आपके अंदर मुलायमियत होनी चाहिए, आपके अंदर एक अट्रैक्शन होना चाहिए, आपके अंदर एक विजन होना चाहिए, तब और उसके साथ साथ आप अपने तमाम एलाई पार्टनर्स के कार्यकर्ताओं के साथ जब आप किसी भी गांव में किसी भी मोहल्ले में जब प्रवेश करेंगे तो उसका इम्पैक्ट पब्लिक पे पड़ना चाहिए, पॉजिटिव आएगा। और आप जब खुद ही अपने तरफ से आप छांट के चलने लगेंगे
कि नहीं ये तो हमको चुनाव में वोट ही नहीं देंगे, ये तो हमको वोट ही नहीं देंगे। तो जब ऐसे ऐसे आप इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे तो आप तो खुद दूसरे को छांटते छांटते मालूम होगा कि आप एक किनारे पे खड़े। अच्छा तो ये तो वही स्थिति इनके साथ हुई। जावेद जी आप इस बात से सहमत हैं कि इंडिया गठबंधन जो टक्कर पूरे इंडिया में जिस तरह से चल रहा है, बिहार में जो राजनीति चल रहा है, यहाँ पे इंडिया गठबंधन लड़ाई नहीं दे पाई है, इस बात से आप ना बिल्कुल एग्री हैं? बिल्कुल एग्री हैं, क्योंकि वही महाराजगंज में जी नेक टू नेक फाइट है जी, वही छपरा में नेक टू नेक फाइट है, गोपालगंज में भी नेक टू नेक फाइट है। सिवान क्यों पिछड़ गया? सिवान इसलिए पिछड़ गया कि इन्होंने खुद ही छाटना शुरू कर दिया अपने तरफ से। ये पहले ही जान गए लोग हमको वोट। हाँ, ये इतने बड़े नजूमी निकले कि ये खुद ही छाटना इन्होंने शुरू कर दिया, और हेना साहब ने सबको जोड़ना शुरू कर दिया। तो सारे लोग जो जोड़ेगा, सारे लोग तो उसी के तरफ जाएंगे ना। तो हेना साहब चुनाव के दौरान जो बात बोली थी, सब रंग हमारे हैं, बाद में इस चीज को तो इस बात से भी जोड़ के देखा जा सकता है, जैसे मोदी जी ने कहा था एक बार, सबका साथ सबका विकास और सब रंग हमारे हैं। ये लगता नहीं कि दोनों में बहुत ज्यादा तालमेल बैठ रहा है? देखिए देखिए देखिए, अपना देश डाइवर्सिटी का देश है जी, विविधता में एकता जी, विभिन्नता में एकता जी। तो यहाँ हर जाति, हर धर्म, हर मजाहिब के मानने वाले लोगों को समान अधिकार दिया गया संविधान के द्वारा। तो यहाँ सारे रंग जो उन्होंने कहा, जो उनका ये स्लोगन था, वो कहीं ना कहीं आम जनता के दिमाग में हिट कर गया है, स्ट्रोक किया इसने, जगह बनाई। और पूरा चुनाव ये नारा भारी रहा, पूरा चुनाव भाई। तो मैं कह रहा हूँ ये डायरेक्ट हिट किया आम आदमी के जहन में कि नहीं, जो ये कह रही हैं यही तो हमारे देश का संविधान कह रहा है। हमारे यहाँ तो विभिन्नता में एकता है। अच्छा आपको क्या लग रहा है सिवान में किसका? आपने रेनबो देखा है जी? रेनबो के बीच लड़ाई है जो कल लड़ाई हुआ है, लेकिन क्या लग रहा है इसमें आपके अनुसार 20 कौन पड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए जो रमेश सिंह कुशवाहा जी चुनाव में आए, तो एक तो उनके अंदर, उनके दल में, उनके एलाई पार्टनर में जो उनके प्रति विरोध था वो तो था ही, और खुल के था, ये नहीं कि बंद कमरे में था, नहीं, ओपन था विरोध, और वो विरोध कहीं ना कहीं क्रांति का रूप ले लिया, और वो सीधा सीधा जाके जुड़ गया मैडम हेना साहब से। तो आपने देखा होगा, आप पूरे कैंपेन के दौरान जो भीड़, जो लोग, जिस तरीके का कैंपेन प्रचार प्रसार मैडम हेना साहब का हुआ, उस हिसाब से भले हेलीकॉप्टर आते थे जाते थे, सिवान में धूल उड़ाते थे, लेकिन वो कैलेवर किसी के ऊपर चढ़ा नहीं, नहीं चढ़ा। तो यही गैप पैदा करता है। अब रही बात, आप एक सवाल तो आप खड़ा होता है यहाँ पे जावेद जी, कि आप कह रहे हैं कि पूरा राजनीतिक फिजा है जो बदली हुई थी सिवान की, हेना साहब के साथ जो रंग खड़ा था, जो लोग खड़े थे, जो पूरा का पूरा तबका चल रहा था साथ साथ, आप ये कह रहे हैं कि ये वो लोग थे जो बीजेपी से कहीं ना कहीं, जो एनडीए उम्मीदवार से नाराज थे, इनके साथ दिख रहे थे, तो इसका तो सीधा फायदा है ना साहब को दिखना चाहिए ना? देखिए तो सीधा फायदा क्यों नहीं दिख रहा? नहीं नहीं, आखिर क्यों नेट टू नेट फाइट है आज? उस हिसाब से तो रमेश सिंह कुशवाहा फाइट में नहीं होना चाहिए था, लेकिन रमेश सिंह कुशवाहा बिल्कुल लड़ाई में है। अब देखिए आप, अब मान लीजिए कि उसमें भी जो लोग बच गए थे, जिनको राजनीति करनी है, जिनको पार्टी का झंडा ढोना है, तो वो लोग कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करेंगे ना। तो वही जो माइनर थोड़ा सा जो दिख रहा है कि हाँ कोई फाइट में है, एक बहुत का कारण वही। एक बहुत इंपोर्टेंट सवाल, इस पूरे चुनाव में नेशनल चुनाव की बात करें तो अमित शाह का एक बयान जारी हुआ था, बाद में अमित शाह ने खुद खंडन किया और कहा कि ये AI के द्वारा बनाया गया वीडियो है, ये फेक वीडियो है, जिसमें उन्होंने संविधान को खत्म करने की बात कही थी। उसके बाद एक चीज और देखने को मिला कि सारे दलित समुदाय के लोग इंडिया को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे थे इंडिया की तरफ, लेकिन सिवान में चीज देखने को मिला है क्या? सिवान में दलित किधर गए हैं? नहीं, सिवान में भी दलित काफी जागरूक हैं। आप लोगों के साथ थे? काफी जागरूक हैं, और चूंकि उनका कैंडिडेट था BSP का, अच्छा, तो कुछ लोग तो अपने कैंडिडेट के साथ जो डाई हार्ट होंगे वो गए होंगे, और बाकी लोगों में
जो बड़ा तबका है, जो बड़ी आबादी है, वो मैडम हिना साहब के साथ है, और फिर उसके बाद उसमें से ही कुछ लोग राजद में और कुछ लोग जदयू में गए हैं, ये सच्चाई है। चलिए, लेकिन उसका उसका जो लार्जर वोट है वो मैडम के साथ है। चलिए, जो टोटल जो वोटिंग हुआ है 52.50% की वोटिंग हुई है, आपके अनुसार क्या लग रहा है, किस उम्मीदवार को आप कितने नंबर पर रख रहे हैं और कितने वोट दे रहे हैं? लगभग 9.5 लाख वोटिंग हुआ है, जिसमें अवधि बिहारी चौधरी भी हैं, जीवन यादव भी हैं, हेना साहब भी हैं, रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा भी हैं, BSP के भी हैं, हाथी छाप, किसको कहाँ रख रहे हैं आप अपने हिसाब से? मेरे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक और मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक हेना साहब को नियर अबाउट 4 लाख, 4 लाख के करीब, चाहे ऊपर या नीचे थोड़ा बहुत, और रमेश सिंह कुशवाहा 3 लाख से ऊपर या नीचे, और बिहारी चौधरी जी के साथ अगर इंटायर उनकी कम्युनिटी गई होगी तो वो भी 2 लाख के करीब रहेंगे, और उसके बाद बहुजन, और उसके बाद जीवन यादव और बाकी जो कैंडिडेट हैं। ऐसा नहीं होता है इलेक्शन में कि जो कैंडिडेट 9 लाख वोट तो आप इन लोगों के बीच बांट दिए। हाँ, तो बाकी के लोग 50,000 वोट में आपको लग रहा है कि जीवन यादव और बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर प्रकाश मणि तिवारी या फिर नोटा सब मिला 50,000? जी हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको? जी हाँ, मुझे लग रहा है। चलिए, तो जावेद जी का जो एक्सपेक्टेशन था हेना साहब को लेकर, इन्होंने कहा कि 4 लाख के आसपास उनका वोट रहेगा, 3 लाख के आसपास रमेश सिंह कुशवाहा रहेंगे और 2 लाख के आसपास अवध बिहारी चौधरी रहेंगे। हालांकि जब 4 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे तो ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर सिवान में कौन जीतकर दिल्ली जा रहा है, सिवान की जनता ने किसको कितना वोट दिया है। ये तस्वीर बिल्कुल 4 जून को साफ हो जाएगा। हमारे साथ थे जावेद अली जी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और इन्होंने इस बात को माना है कि इंडिया गठबंधन सिवान में चुनाव हार चुकी है, और हेना साहब इन्होंने 4। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान, बंधन पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करें पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे, निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।